तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अफरोज आलम। आप मेरी OPF स्टूडियो को देख रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बगल के बेल नोटिफिकेशन को ऑल करके ऑल पे प्रेस कर देना। मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो मैं उतर चुका हूँ भीमा साकी स्ट्रिक्ट पे, क्योंकि यहाँ के बंदे बहुत अच्छे हैं। क्योंकि यहाँ के ना स्क्वाड ना, मतलब मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के बढ़िया अच्छे अच्छे प्लेयर उतरते हैं यहाँ के। यहाँ पे क्या पता नहीं यार, मेरे मुंह में कुछ चला गया यार, अजीब सा लग रहा है। बंदे तो ऐसे ऐसे आ जाते हैं, पता नहीं क्या ही हूड़ के पड़ी है, हूड़ के। क्योंकि ना गाइस, ना ये जब मैं बरमूडा मैच जब डालता हूँ ना, मैं मैच मतलब इसमें वो डालने पड़ते तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसमें डाला नहीं जाता। मैं इतनी बड़ी वीडियो हो जाती है ना तो डाला नहीं, इसलिए मैं ना जल्दी जानबूझ के ना कोशिश नहीं करता। वाह क्या हेड लगा है, इसलिए मैं डालने की कोशिश नहीं करता क्योंकि बड़ी वीडियो बन जाती है, मूड ख़राब होता है। इसमें ना कुछ टॉपिक ना समझ नहीं आता, इसमें टॉपिक क्या डालूँ। नहीं तो मेरे को वीडियो डालना आता नहीं ढंग से और मुझे वॉइस भी ढंग से नहीं आती, क्या करेगा भाई। आलू तो ला ही लिया मैंने, आलू इफ्कार ले ली कंप्यूटर वाली गन। क्योंकि ना मुझे स्कार गन बहुत पसंद है, बहुत इतनी पसंद है ना, इतनी पसंद है, इतनी पसंद तुम्हें सोची नहीं होगी कभी सोची। इतना बड़ा तो यार पत्थर का बना हुआ है ना ये, और ऊपर से गिरे तो हालत अच्छे अच्छे लोगों की मौत हो जाती है। गाइस आपको करेक्टर कौन सा पसंद है सबसे ज़्यादा? मुझे तो यार अलोक पसंद है। अलोक के बाद अगर बात करोगे तो मेरे को ये क्या नाम है, क्या नाम है इस करेक्टर का जो EP जो मैंने लगा रखा है, आ, 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 भूल गया गाइस क्या नाम है इसका। नहीं मैक्सिन तो यार मेडिकेट वाला है, हेड नहीं लग रहा मेरा, बस बॉडी शॉट मारा है। मेरे को ना ओक की स्किन मिल जाना तो मज़ा सा आ जाएगा। M14। अब मैं तो ओ ऊपर एलोप्लेन देखा तुमने गाइस, रुका हुआ है एक जगह पता नहीं क्यों। रोहित सी जी रोहित, सी जी रोहित कोई है हमारे में बढ़िया प्लेयर, उसी के बार बार नाम आते जा रहे। कोई ढंग का प्लेयर आया हुआ है हमारे मैच में। कोई समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या टॉपिक बोलूँ। FFW रिवॉर्ड पे बोलूँगा तो यार कुछ मेरे को खुद नहीं पता मैं क्या बोलने जाऊँ मैं। कोई बंदा है ऊपर, ओ भाई साहब तीन बंदे हैं, तीन इसमें से तो दो बंदे को तो मैं ज़रूर मार के रहूँगा, बाकी का पता नहीं। इसको तो मैं खल्लास कर दिया मैंने तो इसको। इमोट इमोट पीछे किसी ने मार दिया यार मेरे बंदे को, जाना पड़ेगा जल्दी। अरे हेड नहीं लग रहा, हेड नहीं लग रहा यार, हेड नहीं लगा, हेड लग जाता ना बस बात बन जाती। अबे कोई मार रहा है यार, ओ भाई इसको हेड लगेगा मेरे का, अबे क्या कर रहा हूँ। अरे भाई नॉक हो गया, नॉक हो गया। अबे एक और बंदा आ रहा कोई, भाई
बात, उसको भी नोट कर लेना है। अब क्या नहीं लूटना जाऊँगा क्योंकि यार मेरे पास मेडिकेट वेडिकेट ढंग से नहीं है, और समझ सकते हो गाइस मेरे पास ग्लू वॉल भी नहीं है क्योंकि मैंने ना इस टाइम ना मैंने ना करेक्ट वो पैट की एबिलिटी इस टाइम मैंने हटा दी थी। फिर मैंने इस मैच के बाद मैंने सोचा इस मैच के बाद अगला मैच करूँगा ना तो मैं ग्लू वॉल की एबिलिटी लगा लूँ, लेकिन यार मैं भूल गया, मैं बार बार भूल जाता हूँ मैं। अब जाके मैंने कल से लेकर अब जाके लगाया मैंने वापस पैट की एबिलिटी वही वाली ग्लू वॉल वाली। क्रिमिनल बंडल मिल जाए ना गाइस, आपको क्रिमिनल बंडल इतना पसंद क्यों है? वो खास तौर पर रेड वाला, ग्रीन आता है तो तुम्हें इतना वो नहीं होता, येलो आता तो तुम पागल हो जाते हो, नीला आता तब भी तुम पागल हो जाते हो, रेड आता तो तुम मतलब ऐसे तुम्हारे पैर के नीचे ज़मीन खिसक जाती है, ऐसा तुम्हारा हाल हो जाता है। रेड को देख के तुम इतना पागल क्यों होते हो यार? डायमंड लगाओ यार, तुम भी खोल लोगे, समझ रहे हो ना गाइस? वो उनके पास पैसे है वो लगा लेते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है हम नहीं लगाते। दे 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 प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे हमें प्यार दे हमें प्यार प्यार प्यार। नीचे बंदा, चलो भाई भाई उतर, कूद ना, कूद नहीं पा रहा मैं, दवाई नहीं पा रहा, अब जाके कूदाऊँ, सारा पावर चली गई मेरी सारी। बस क्या ही ओपी वाला हेड लगा है, एकदम ओपी, जहर ओपी। कोई ऊपर बंदा है लेकिन कोई मार नहीं पाया मेरे को, ग्लू वॉल भी नहीं है मेरे पास, तभी मैं छुपक के खेल रहा हूँ थोड़ा सा। हेड नहीं लग रहा यार, हेड नहीं लगा इस बार भी, हेड लगता ही नहीं है। यह तो हेड मारना नहीं आता, यह तो हेड लगता ही नहीं है, लगे ही नहीं। भाई साहब जी, सामने वाले प्लेयर को देखो यार, इतने ऊपर से ग्रेनेड फेंका भाई साहब जी ने, वाह यार, इसी बात पे तो तालियां होनी चाहिए, इसी बात पे तो तुम तालियां क्यों नहीं मारते? ताली मारो, ताली 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 मारो भाई, भाग लेते, भाग लेता हूँ मैं यहाँ से, भगले वापस यहीं आ जाता हूँ, भागूंगा तो खाली पीली ऊपर से मार देंगे, मैं भाग ही लेता हूँ, इससे बढ़िया जो होगा देखा जाएगा। मेरे पास ग्लू वॉल भी नहीं है, कोई बंदा आ रहा पीछे, भाई कवर रहा, कवर मेरा भाई, बस बस भाई, तुमने आके उतर के गलती कर दी ब्रो। प्यार दे, 17 बंदे रह गए, मतलब मेरे को छोड़ के 16 बंदे रह गए, इंग्लिश में बोले तो 16। ग्लू वॉल नहीं मिल रहा मेरे को कहीं पे भी, और मेरे को ना गाइस वो भी मिल गया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक टॉपिक मिल गया मेरे को, मतलब मैं लिख सकता हूँ नो ग्लू वॉल नहीं है मेरे पास, वो पूरा मैच में बिना ग्लू वॉल के खेला, नो ग्लू वॉल चैलेंज, एकदम जहर कती जहर। एरोप्लेन गाइस, आपको मैं बता दूँ, इस ताबा के लिए मैंने स्पेशली 190 रुपये का स्पेशल ड्रॉप करा था, मैं उस दिन इतना पागल हो गया था क्योंकि गाइस उसमें ना मिस्ट्री शॉप भी आई हुई थी, उसमें से मेरे को लाइट पास भी खोलना था और पैन भी लेना था मेरे को,
तो मैंने पेन भी ले लिया और एलाइट पास भी खोल लिया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 190 रुपये में। ऐसे समझ रहे हो ना आप, 190। मैंने आज तक 80 रुपये का टॉप अप जल्दी नहीं मारा था, लेकिन मैंने उस दिन 190 रुपये का टॉप स्पेशल टॉप करा मैंने। मतलब ये मान के चलो मैंने 80-80 रुपये के 2 टॉप अप करे मैंने। अगर मैं अप करूँगा ना तो मेरे को कुछ बढ़िया सा चीज़ मिल जाएगा सिर्फ 160 रुपये में। अगर मैं मंथली मेम्बरशिप मार लेता मुझे 300 से ज़्यादा डायमंड मिल जाते। लेकिन गाइस ना मैं सोच के बैठा हुआ था उस दिन जो 29 रुपये का स्पेशल ड्रॉप आएगा, मैं उसी राह में बैठ के बताया तो मैंने ना मिस्ट्री शॉप मारा नहीं। सोच के बैठा मिस्ट्री शॉप मार लेता हूँ मैं तो उसमें ज़्यादा टाइम में मिल जाएंगे। लेकिन अगर दो बस मेरे पास एक दिन का गैप था और एक दिन में मिस्ट्री शॉप में मेम्बरशिप में मिस्ट्री पर सिर्फ 150 डायमंड मिलते पहले दिन। और लेकिन मुझे ना 299 डायमंड चाहिए होते मेरे को, 299 डायमंड समझ रहे हो ना गाइस आप, 299 डायमंड चाहिए होता मेरे को। इसलिए मेरे को ना स्पेशल ड्रॉप करना पड़ा मेरे को 190 रुपये वाला। ये मैंने इसको रिवाइव नहीं दे रहा क्योंकि ये ना ऑफलाइन है ना ये। बहुत लंबा ही मैच चला गया साला ये। एक बंदा तो ऊपर बैठा हुआ है साला दुबक के, ये 4th नंबर वाला प्लेयर। यार मेरे को ये बंदे बहुत गंदे लगते हैं मेरे को यार। रुक के खेलते ढंग से खेलो यार, मजा आएगा तभी। बंदे है बंदे ऊपर। एंड ही रह गया साला, और 3 बंदे बसे है, बस सामने 5 बंदे है। अरे भाई साहब क्या ही हेड लगा लेकिन बंदा नोक नहीं हुआ यार, ये सीन बड़ा गंदा है। अबे ओए गुलू लगा, अबे नोक हो गया मैं। इस बंदे ने नोक तो कर लेकिन रिवाइव देने के लिए आ ही नहीं रहा ये। जल्दी भाई रिवाइव दे, बस बहुत बढ़िया। अरे यार हो गया मैं ख़त्म कहानी। चलो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और बगल के बेल नोटिफिकेशन को ऑल करके ऑल पे प्रेस कर देना, मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो गाइस मैं यहाँ से ना क्विट कर रहा हूँ, गेम हटा रहा हूँ मैं गेम।